नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। इसी बीच खबरों का रुख कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांदीपुर नेशनल पार्क में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ करेंगे। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां यानी बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण साथ ही सुरक्षा पर ध्यान देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2019 में विश्व नेताओं से इस पहल का आह्वान किया था ताकि एशिया में इन जीवों के अवैध शिकार और व्यापार को रोका जा सके। बता दें कि देश में 2014 के बाद से इन सातों जीवों की आबादी बढ़ी है। इनमें बाघों की आबादी 33% बढ़कर 2018 में 2967 पर पहुंच गई, जबकि 2014 की बात करें तो ये आबादी 2226 थी। बाघों की अंतिम गणना 2018 में हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस ने रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री शिंदे के आगमन को लेकर अयोध्या में काफी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह उनके पोस्टर लगाए गए। उनकी इस अयोध्या यात्रा को अच्छा रिस्पॉन्स भी और कवरेज भी मिला है। अब तक इस दौरे को एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना का दौरा कहा जा रहा था। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस के अचानक अयोध्या दौरे पर जाने से हैरानी जताई जा रही है। इस दौरान उनके साथ भी बीजेपी के मंत्री मौजूद रहे। इस मुद्दे पर उनकी टीम से बात करने पर पता चला कि आज दिल्ली में फडणवीस को एक मीटिंग में शामिल होना है, इसलिए वो भी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भी जाएंगे। ये भी बताया गया कि फडणवीस इसके पहले भी अयोध्या दर्शन के लिए जाते रहे हैं। इसी खबर को लेकर हमारे संवाददाता अयोध्या से अमित हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे जान लेते हैं। अमित, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कि बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे एकनाथ शिंदे का जो दौरा है वो रामकथा पार्क 11 बजे पहुंचे थे और उनके कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ है, पहले वो रामकथा पार्क से सीधे जो है पंचशील होटल आना था, पर बीच में उनका कार्यक्रम जब बदलाव हो गया, बदलाव होने के बाद वो सीधा रामकथा पार्क से सीधा जो है हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने, उसके बाद जैन मंदिर में जो है पैदल ही रोड मार्च करते हुए निकले हुए हैं, और जिसके साथ जो वहाँ पे जो उनके मंत्री विधायक है उनको भी गेट पर रोका दिया गया है और वो हनुमानगढ़ी पर और रामलला परिसर में पहुंच गए हैं। जी, और दर्शन जी बिल्कुल। अमित जी, देवेंद्र फडणवीस के दौरे को लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो है इस समय अयोध्या पूरी सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद की गई है और रूट 8 पॉइंटों का रूट आवर्जन किया गया, और इस दौरान जिस समय एकनाथ शिंदे का दौरा है वो अयोध्या में किसी प्रकार की जो है जो फोर व्हीलर है या दो पहिया वाहन है पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है जब तक उनका कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। और आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे देवेंद्र फडणवीस के? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि वो एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे और यहाँ पे जो जो भी कार्यक्रम है, दर्शन पूजन का है, सरजू आरती है, पत्रकार वार्ता भी है और साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी गोरखपुर के गीडा में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको के फ्रेंचाइजी प्लांट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। 1100 करोड़ से ज्यादा की लागत से देश का दूसरे नंबर का ये प्लांट गोरखपुर में बनेगा। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर में इतने प्लांट लग रहे हैं कि अब युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध कम हो गए हैं, यहाँ पुलिस का राज चल रहा है, वहीं कानून के डर से अपराधियों की पैंट गीली हो रही है। सीएम ने कहा कि FMGC का बड़े प्लांट लगने से रोजगार के साथ ही छोटी आपूर्तिकर्ता कंपनियां, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का विस्तार होगा। कंपनी गोरखपुर के अलावा प्रयागराज, अमेठी और चित्रकूट में भी प्लांट लगाएगी। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया के बहौर धनौती गांव में स्वर्गीय मर्जादी देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर के पुजारी पंडित रामानुजन त्रिपाठी के घर पहुंच उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद जिला मुख्यालय आने पर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में उन्होंने 480 करोड़ रुपए की 223 योजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देवरिया गोरखपुर का हृदय है, यहाँ विकास में धन की कमी
कभी कभी रोड़ा बन नहीं पाएगी। उन्होंने कुशीनगर के कस्या में कृषि विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा के साथ बेतालपुर में चीनी मिल स्थापित किए जाने की बात भी कही। देवरिया तो हमारे लिए घर का आंगन जैसा है, एकदम कोई भी यहाँ का कार्यकर्ता हो, आम जनमानस हो, बेझिझक। जब मैं गोरखपुर में सांसद था तब भी मेरे पास बेझिझक आता था और मुझे भी देवरिया के कार्यक्रमों में देवरिया की जन समस्याओं को लेकर के देवरिया आने में कोई संकोच नहीं होता था, कुशीनगर आने में कोई संकोच नहीं होता था, महाराजगंज तक जाने में कोई संकोच नहीं होता था, क्योंकि हम ये मानते थे कि सब तो अपने ही लोग हैं, इन लोगों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए और अगर सरकार की कानों में जू नहीं रेंग रहा है तो उसे झकझोरने के लिए हम जनता के साथ मिलकर के उस समय भी आपके बीच में आकर के आंदोलन आपके साथ ही मिलकर के करते थे। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोविड 19 के 5,357 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केस भी बढ़कर 32,814 हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। केरल में 60 साल से ऊपर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। पुडुचेरी में भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,155 नए मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार दूसरे दिन 6,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। शुक्रवार की बात की जाए तो कोरोना के 6,050 मामले दर्ज किए गए थे। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 31,194 हो गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बीते कुछ दिनों के दौरान बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसके बाद राज्य सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्यों की सभी कोविड लैब को पूरी तरह सक्रिय करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिलने पर जांच के निर्देश दिए गए। इसके अलावा विदेश से आने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश जारी हुए हैं। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव सैंपल मिलेंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। जहां भी बड़ी संख्या में सांस की समस्या वाले मरीज की जानकारी मिलेगी वहां अनिवार्य रूप से कोविड सैंपलिंग होगी। सभी इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को जल्द सक्रिय करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा विदेश यात्रा से आने वालों की सर्विलांस से निगरानी करने के निर्देश जारी कर दिए गए। तो लगातार कोरोना के केस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो वहीं गाजियाबाद में कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी को लेकर एक रोबोटिक सर्जरी पर साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी और जनरल वीके सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि आज भारत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। कभी 2014 से पहले मात्र 54,000 MBBS की सीटें हुआ करती थी, जो आज 1,30,000 हो चुकी हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाने के लिए देश में 15,06,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि टेली हेल्प कंसल्टेंसी से न सिर्फ पैसे की बचत होती है बल्कि ये बहुमूल्य जीवन को भी बचा पाते हैं। दूर के क्षेत्रों से भी जहां की मेडिकल सुविधाएं उतनी एडवांस नहीं है, मेडिकल कंसल्टेंसी की ओर से हम बहुमूल्य जीवन बचत कर पाते हैं। आज पूरे देश के लिए सरकार ने एक इसका रिव्यू किया है। सरकार बकायदा इसके ऊपर चल रही है और अपनी एडवाइजरीज देती है जो कि पूरे देश के अंदर लागू है। और सबसे बड़ी एडवाइजरी उनकी ये कि अपना ध्यान रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए कि आपको खांसी हो गई, जुकाम हो गया, आपने कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब कोई ऐसी महामारी आती है तो उसके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, उसका एक दौर होता है। मानसून भाई अभी कल या परसों की स्टेटमेंट की, हमें सावधान रहना होगा, जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने होंगे, पर इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, अगर कोई किस्म का केसेस जो भी हो, इज इट कॉमन कोल्ड,
मोर सीरियस कोल्ड, वी शुड टेक प्रिकॉशंस। और मैं समझता हूँ कि सरकार जो है, हेल्थ मंत्रालय, वो सिचुएशन को कॉन्स्टेंटली रिव्यू कर रही है। तो वहीं बस्ती में मनवर नदी के पुनरुद्धार का काम आगे बढ़ाते हुए सांसद हरीश द्विवेदी और जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन दुबौलिया विकासखंड के पंडूल घाट पहुंचे हैं, जहां पर विधिवत पूजन के साथ नदी की साफ सफाई का काम शुरू किया गया। इस मौके पर उन्होंने घाट पर पूजा अर्चना के बाद फावड़ा चलाकर नदी की जलकुंभी की साफ सफाई की। इस अवसर पर सांसद और जिलाधिकारी ने लोगों को श्रमदान के लिए प्रेरित किया। सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि मानव जीवन के लिए शुद्ध जल का होना बहुत जरूरी है, नदियों को साफ सुथरा रखना समय की जरूरत है। भारत सरकार की ओर से गंगा नदी की सफाई का अभियान संचालित किया जा रहा है। नमामि गंगा योजना के तहत सभी नदियों की साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। मैं मनोरमा नदी के तट पर स्थित पंडूल घाट पर आए हुए समस्त ग्रामवासियों को मैं नमस्कार करती हूँ। यहाँ उपस्थित मंचासीन हमारे जनप्रतिनिधि श्री सांसद जी और हमारे मुख्य विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, समस्त विकास परिवार, ये जो आज कार्य शुरू हो रहा है, ये नदी आपकी ही है। तो हमारे जो जल स्रोत है, चाहे कुआं हो, तालाब हो, नदी हो, उसको साफ रखना भी हमारी जिम्मेवारी है। आप लोगों में से कितने हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग होंगे जो जब। तो वहीं अमरोहा के नौगांव सादात थाने में लगे समाधान दिवस में लेखपालों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि लेखपालों ने पुलिस की तरफ से अभद्र व्यवहार और लोगों की बातों को अनसुना करने के चलते हंगामा किया। हंगामा करते हुए लेखपाल समाधान दिवस से उठकर बाहर चले आए और पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। दरअसल एक मामले में हल्का लेखपाल को पुलिस फोर्स की जरूरत थी, लेकिन हल्का दरोगा संजीव मलिक दोबारा से लिखित आदेश दिखाने की बात कर रहे थे, जबकि पिछले समाधान दिवस में डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया था। पिछले कई दिनों में लेखपाल थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हल्का दरोगा उसकी बात को अनसुना करने पर लगा हुआ है। साथ ही लेखपाल ने हल्का दरोगा पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं बरेली के बिथरी चैनपुर में बुजुर्ग महिला की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ने हत्या से पहले महिला के हाथ से बना हुआ खाना खाया, उसके बाद उसकी बेरहमी से घर में ही निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने घटना के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना बिथरी चैनपुर में 29 जनवरी 2023 को एक वृद्ध बुजुर्ग महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पोस्टमार्टम से पता लगा कि यह शव 2 से 3 दिन पुराना है। इसमें दो अभियुक्तों, जिनका नाम इमरान और फैजुल है, इनको गिरफ्तार किया गया। इमरान निवासी पीलीभीत का है और फैजुल जो है वो कोतवाली रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड का निवासी है। इन दोनों ने मिलकर बुजुर्ग महिला की 25 और 26 की रात्रि को हत्या की। यूपी के अमरोहा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां विशेष समुदाय के लोगों ने किसान तंत्र मंत्र के नाम पर लाखों का ठगी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि नौगांव सादात थाना क्षेत्र के गांव कलाडा ब्राह्मण ठगों ने एक किसान के घर में शैतानी आत्मा का वास बताया और उपाय न कराने पर बेटे की मौत का भय दिखाकर 12 बीघा जमीन बिकवा दी। उसके बाद डराकर 61 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं माने। उन लोगों ने पीड़ित किसान से 11 लाख रुपए और देने की डिमांड रख दी। साथ ही डिमांड पूरी न होने पर उसके बेटे की मौत हो जाने का डर दिखाया। हालांकि आरोपियों ने बार बार पैसे लिए जाने से किसान को खुद के साथ ठगी होने का एहसास हुआ, जिस पर पीड़ित किसान ने कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में समुदाय विशेष के 14 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिंह जिनके द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी कि मेरे परिवार में तांत्रिक द्वारा भूतपुरुष का साया बता करके और मेरे पुत्र की मृत्यु का भय दिखा करके मुझसे जमीन ले ली और जमीन द्वारा मुझसे पैसे ले लिया है। इसमें धारा मुकदमा दर्ज कर लिया और ग्रीन कार्ड दिया। कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज किया? ऐसा थोड़ी है। अच्छा,
फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।